श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड अध्याय 35। रावण का समुद्र तटवर्ती प्रांत की शोभा देखते हुए पुनः मारीच के पास जाना। शूर्पनखा की ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली बातें सुनकर रावण मंत्रियों से सलाह ले अपने कर्तव्य का निश्चय करके वहां से चल दिया। उसने पहले सीता हरण रूपी कार्य पर मन ही मन विचार किया, फिर उसके दोषों और गुणों का यथावत ज्ञान प्राप्त करके बलाबल का निश्चय किया। अंत में ये स्थिर किया कि इस काम को करना ही चाहिए। जब इस बात पर उसकी बुद्धि जम गई, तब वह रमणीय रथशाला में गया। गुप्त रूप से रथशाला में जाकर राक्षस राज रावण ने अपने सारथी को यह आज्ञा दी कि मेरा रथ जोतकर तैयार करो। सारथी शीघ्रतापूर्वक कार्य करने में कुशल था। रावण की उपर्युक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षण में उसके मन के अनुकूल उत्तम रथ जोतकर तैयार कर दिया। वह रथ इच्छानुसार चलने वाला तथा सुवर्णमय था। उसे रत्नों से विभूषित किया गया था। उसमें सोने के साज बाजों से सजे हुए गधे जुते थे, जिनका मुख पिशाचों के समान था। रावण उस पर आरूढ़ होकर चला। वह रथ मेघ गर्जन के समान गंभीर घर घर ध्वनि फैलाता हुआ चलता था। उसके द्वारा वह कुबेर का छोटा भाई श्रीमान राक्षस राज रावण समुद्र के तट पर गया। उस समय उसके लिए सफेद चवर से हवा की जा रही थी। सिर के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। उसकी अंगकांति स्निग्ध वैदूर्यमणि के समान नीली या काली थी। वह पक्के सोने के आभूषणों से विभूषित था। उसके 10 मुख, 10 कंठ और 20 भुजाएं थीं। उसके वस्त्राभूषण आदि अन्य उपकरण भी देखने ही योग्य थे। देवताओं का शत्रु और मुनीश्वरों का हत्यारा वह निशाचर 10 शिखरों वाले पर्वतराज के समान प्रतीत होता था। इच्छानुसार चलने वाले उस रथ पर आरूढ़ हो राक्षस राज रावण आकाश में विद्युमंडल से घिरे हुए तथा वक पंक्तियों से सुशोभित मेघ के समान शोभा पा रहा था। पराक्रमी रावण पर्वत युक्त समुद्र के तट पर पहुंचकर उसकी शोभा देखने लगा। सागर का वह किनारा नाना प्रकार के फल फूल वाले सहस्रों वृक्षों से व्याप्त था। चारों ओर मंगलकारी शीतल जल से भरी हुई पुष्करिणियां और वेदिकाओं से मंडित विशाल आश्रम उस सिंधु तट की शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं कदलीवन और कहीं नारियल के कुंज शोभा दे रहे थे। साल, ताल, तमाल तथा सुंदर फूलों से भरे हुए दूसरे दूसरे वृक्ष उस तट प्रांत को अलंकृत कर रहे थे। अत्यंत नियमित आहार करने वाले बड़े बड़े महर्षियों, नागों, सुपर्णों, गरुड़ों, गंधर्वों तथा सहस्रों किन्नरों से भी उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। कामविजयी सिद्धों, चारणों, ब्रह्मा जी के पुत्रों, वानप्रस्थों, माश गोत्र में उत्पन्न मुनियों, बालखिल्य महात्माओं तथा केवल सूर्य किरणों का पान करने वाले तपस्वी जनों से भी वह सागर का तटप्रांत सुशोभित हो रहा था। दिव्य आभूषणों और पुष्पमालाओं को धारण करने वाली तथा क्रीड़ा विहार की विधि को जानने वाली सहस्रों दिव्य रूपिणी अप्सराएं वहां सब ओर विचर रही थी। कितनी ही शोभाशालिनी देवाडगनाएं उस सिंधु तट का सेवन करती हुई आसपास बैठी थी। देवताओं और दानवों के समूह तथा अमृतभोजी देवगण वहां विचर रहे थे। सिंधु का वह तट समुद्र के तेज से उसकी तरंगमालाओं के स्पर्श से स्निग्ध एवं शीतल था। वहां हंस, क्रौंच तथा मेघ सब ओर फैले हुए थे और सारस उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस तट पर वैदूर्यमणि के सदृश श्याम रंग के प्रस्तर दिखाई देते थे। आकाशमार्ग से यात्रा करते हुए कुबेर के छोटे भाई रावण ने रास्ते में सब ओर बहुत से श्वेत वर्ण के विमानों, गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी देखा। वे इच्छानुसार चलने वाले विशाल विमान उन पुण्यात्मा पुरुषों के थे जिन्होंने तपस्या से पुण्यलोकों पर विजय पाई थी। उन विमानों को दिव्य पुष्पों से सजाया गया था और उनके भीतर से गीत वाद्य की ध्वनि प्रकट हो रही थी। आगे बढ़ने पर उसने, जिनकी जड़ों से गोंद निकले हुए थे, ऐसे चंदनों के सहस्रों वन देखे जो बड़े ही सुहावने और अपनी सुगंध से नासिका को तृप्त करने वाले थे। कहीं श्रेष्ठ अगुरु के वन थे, कहीं उत्तम जाति के सुगंधित फल वाले तकोलों वृक्ष विशेषों के उपवन थे, कहीं तमाल के फूल खिले हुए थे,
कहीं गोल मिर्च की झाड़ियां शोभा पाती थीं और कहीं समुद्र के तट पर ढेर के ढेर मोती सूख रहे थे। कहीं श्रेष्ठ पर्वतमालाएं, कहीं मूंगों की राशियां, कहीं सोने चांदी के शिखर तथा कहीं सुंदर अद्भुत और स्वच्छ पानी के झरने दिखाई देते थे। कहीं धन धान्य से संपन्न, स्त्री रत्नों से भरे हुए तथा हाथी घोड़े और रथों से व्याप्त नगर दृष्टिगोचर होते थे। इन सबको देखता हुआ रावण आगे बढ़ा। 22-25 फिर उसने सिंधु राज्य के तट पर एक ऐसा स्थान देखा जो स्वर्ग के समान मनोहर, सब ओर से समतल और स्निग्ध था। वहाँ मंद मंद वायु चलती थी जिसका स्पर्श बड़ा कोमल जान पड़ता था। वहाँ सागर तट पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया जो अपनी घनी छाया के कारण मेघों की घटा के समान प्रतीत होता था। उसके नीचे चारों ओर मुनि निवास करते थे। उस वृक्ष की सुप्रसिद्ध शाखाएं चारों ओर 100 योजनों तक फैली हुई थीं। यह वही वृक्ष था जिसकी शाखा पर किसी समय महाबली गरुड़ एक विशालकाय हाथी और कछुए को लेकर उन्हें खाने के लिए आ बैठे थे। पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली गरुड़ ने बहुसंख्यक पत्तों से भरी हुई उस शाखा को सहसा अपने भार से तोड़ डाला था। उस शाखा के नीचे बहुत से वैखानस, माश, बालखिल्य, मरीचिप, सूर्य किरणों का पान करने वाले ब्रह्मपुत्र और धूम्रप संज्ञा वाले महर्षि एक साथ रहते थे। उन पर दया करके उनके जीवन की रक्षा करने के लिए पक्षियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा गरुड़ ने उस टूटी हुई 100 योजन लंबी शाखा को और उन दोनों हाथी तथा कछुए को भी वेग पूर्वक एक ही पंजे से पकड़ लिया तथा आकाश में ही उन दोनों जंतुओं के मांस खाकर फेंकी हुई उस डाली के द्वारा निषाद देश का संहार कर डाला। उस समय पूर्वोक्त महामुनियों को मृत्यु के संकट से बचा लेने से गरुड़ को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। 31-33 उस महान हर्ष से बुद्धिमान गरुड़ का पराक्रम दूना हो गया और उन्होंने अमृत ले आने के लिए पक्का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात इंद्रलोक में जाकर उन्होंने इंद्र भवन की उन जालियों को तोड़ डाला जो लोहे की सींकचों से बनी हुई थी। फिर रत्न निर्मित श्रेष्ठ भवन को नष्ट भ्रष्ट करके वहां छिपा कर रखे हुए अमृतकों वे महेंद्र भवन से हर लाए। गरुड़ के द्वारा तोड़ी हुई डाली का वो चिन्ह उस बरगद में उस समय भी मौजूद था। उस वृक्ष का नाम था सुभद्रवट। बहुत से महर्षि उस वृक्ष की छाया में निवास करते थे। कुबेर के छोटे भाई रावण ने उस वट वृक्ष को देखा। नदियों के स्वामी समुद्र के दूसरे तट पर जाकर उसने एक रमणीय वन के भीतर पवित्र एवं एकांत स्थान में एक आश्रम का दर्शन किया। वहां शरीर में काला मृग चर्म और सिर पर जटाओं का समूह धारण किए नियमित आहार करते हुए मारीच नामक राक्षस निवास करता था। रावण वहां जाकर उससे मिला। मिलने पर उस राक्षस मारीच ने सब प्रकार के अलौकिक कमनीय पदार्थ अर्पित करके राजा रावण का विधिपूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। अन्न और जल से स्वयं उसका पूर्ण सत्कार करके मारीच ने प्रयोजन की बातें पूछते हुए उससे इस प्रकार कहा। राजन, तुम्हारी लंका में कुशल तो है? राक्षस राज, तुम किस काम के लिए पुनः इतनी जल्दी यहाँ आए हो? मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी रावण ने उससे इस प्रकार कहा।